हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामटेक। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो यही तो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यूपी बोर्ड के रिजल्ट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ चुकी है। आपका रिजल्ट कब जारी होगा, टॉप 10 में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, टॉपरों की लिस्ट क्या है, यह भी देखेंगे। तो वीडियो लास्ट देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप जुड़ेंगे। फिर कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता है कि जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था वह जो है मार्च में ही संपन्न करा लिया गया था, तो उसके मूल्यांकन का काम भी पूरा हो चुका है। देखते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, टॉपरों की कापियों का हो रहा पुनर्मूल्यांकन। जो भी टॉपर हैं उनके कापियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की तैयारी अंतिम चरण में है। 22 या 23 अप्रैल को परिणाम जारी किया जाएगा। उससे पहले टॉपरों की कापियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया इसी हफ्ते पूरी हो सकती है, उसके बाद परिणाम जारी किया जा सकता है। यूपी बोर्ड की ओर से परिणाम जारी करने के लिए सभी तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बार अंक पत्रों में गलतियां कम करने के आसार हैं। इसके लिए फॉर्म भरवाते समय ही बोर्ड की ओर से काफ़ी सावधानी बरती गई है। आवेदनों को कई बार चेक करवाया गया था। बोर्ड की परीक्षा 22 फरवरी से 9 मार्च तक पूरी हुई थी। पूरी परीक्षा 12 दिन में संपन्न हो गई थी। उसके बाद प्रदेश भर में कापियों के मूल्यांकन का कार्य 16 से 31 मार्च तक चला। अब बोर्ड ने परिणाम तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, कुल मिला जुला के बात यह है कि आपका परीक्षा परिणाम 22 या फिर 23 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पिछली वर्ष जो यूपी बोर्ड का परिणाम आया था वह 25 अप्रैल को आया था, तो उससे पहले इस बार देने की तैयारी में यूपी बोर्ड है। बाकी जब भी रिजल्ट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। और दोस्तों, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको जो है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको इस प्रकार से कुछ खुल के सामने आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो है जनपद सेलेक्ट करना रहता है, परीक्षा वर्ष सेलेक्ट करना रहता है, रोल नंबर भरेंगे, आपको जो है आपका रिजल्ट शो करने लगेगा। तो इस प्रक्रिया से आप जो है गुजर के अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जब भी रिजल्ट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो फिर मिलेंगे गलीवुड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।